हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जोहार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। कॉलेज का मेरा वही सेम टाइम है और रांची में ना 3 दिन से बारिश होने के कारण आज हल्का हल्का ठंडा लग रहा है। तो ठंडा लग रहा है फिर भी बिना स्वेटर का जा रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर और आज मेरी छोटी वाली बहन का ना एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया। तो आज खाना बनाने का ड्यूटी मेरा भाई को मिला है, छोटी बहन उसको बनाने बोली है। तो चावल नहीं पकाया, दिखा रही हूँ चावल पका रहा है कैसे। हम लोग खाना बनाते हैं इंडक्शन में, पर भाई को यूज़ करने नहीं आता है तो वो बना रहे हैं गैस चूल्हा में। इसमें गैस पे आ रही है, सलाद के लिए ला के रखा है। और अभी हम जा रहे हैं रोटी और कटहल की सब्जी खाने। तो हम बोले ना कि चलो इंडक्शन चलाने सिखा देते हैं, तो क्या बोल रहे हैं ना कि नहीं आज के लिए गैस में ही खाना, गैस का खाना है इसे। तो वो पका रहा है खाना और हम जा रहे हैं खाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, तो हम बनाए हैं आज ये है टमाटर का चटनी। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही हो गया हम लोग का टमाटर चटनी। और हम जा रहे हैं अभी शाम में 4 बजे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको अभी भूख लग गई इसलिए अभी जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो वही भाई बनाया है चावल और सलाद और छोटी बहन बना के गई थी सब्जी और ये चटनी आज हम बना रहे थे। तो इसी के लिए हमको बहुत टाइम लग गया इसको धो के पानी सुखाने में और सबको। तो ये अब बन ही गया है, क्योंकि हम लोग का घर में ना बहुत सारा टमाटर था और सड़ रहा था। एक भैया भी ला के दिए थे, यहाँ पे बगल में रहते हैं वो। हम लोग बस बहुत ज़्यादा टमाटर हो गया और ख़राब हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि अचार बना के रख देते हैं, क्योंकि इसको इसे पका देने से ना ये चलेगा अभी बहुत दिनों तक। तो इसी के लिए टमाटर जो सड़ रहा था इसको अचार बना दिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए और आज का वीडियो भी यही अंत करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा देर पढ़ेंगे, क्योंकि बुधवार को मेरा कॉलेज में टेस्ट है। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।